रैटल स्नेक लगभग हर निवास प्रकार में पाए जाते हैं। जहां कुछ पौधे संघ होते हैं या ऊंचाई की एक संकीर्ण सीमा के भीतर रहते हैं, अधिकांश प्रजातियां खुले चट्टानी क्षेत्रों के पास रहती हैं। रैटल स्नेक घास के मैदानों, दलदलों, रेगिस्तानों और जंगलों सहित कई अन्य आवासों में भी पाए जा सकते हैं। रैटल स्नेक के दो अंग होते हैं जो विकिरण को महसूस कर सकते हैं, उनकी आँखें और उनके चेहरे पर गर्मी संवेदन का एक सेट होता है जो उन्हें शिकार का पता लगाने और शिकार के थर्मल विकिरण हस्ताक्षर के आधार पर उसकी ओर बढ़ने में सक्षम बनाता है। लेकिन रात में गर्म रक्त वाले प्राणियों के शिकार में रैटल स्नेक को एक विशिष्ट लाभ मिलता है। ग्रास स्नेक एक गैर विषैला सांप है। यह अक्सर पानी के पास पाया जाता है और लगभग विशेष रूप से उभयचर और छिपकलियों को खाता है। ग्रास स्नेक आमतौर पर गहरे हरे या भूरे रंग का होता है और सिर के पीछे एक विशेष पीला या सफेद कॉलर होता है। रंग भूरे से काले तक भी हो सकता है। गहरे रंग ठंडे क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हैं। नीचे का भाग काले रंग के अनियमित खंडों के साथ सफेद है, जो व्यक्तियों को पहचानने में उपयोगी है। इसकी लंबाई 3 फीट 3 इंच या उससे अधिक तक हो सकती है। ग्रास स्नेक अच्छे तैराक होते हैं और ताजे पानी के करीब पाए जा सकते हैं। हालांकि इस बात के प्रमाण हैं कि ग्रास स्नेक को अक्सर पूरे मौसम में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। टाइगर स्नेक ई एक लंबी सांप जैसी मछली जिसकी लंबाई 1 मीटर यानी 40 इंच तक बढ़ सकती है, लेकिन अधिक सामान्य आकार 50 सेंटीमीटर यानी 20 इंच है। सिर छोटा है। प्रत्येक जबड़े पर दांतों की 2 पंक्तियां होती हैं और नीचे पर 2 और पंक्तियां होती हैं। पृष्ठीय पंख की उत्पत्ति सिर के ठीक पीछे होती है। इसमें बड़े भूरे या काले गोलाकार या अंडाकार धब्बे होते हैं। युवा मछलियों में धब्बों की एक ही पंक्ति होती है, जबकि बड़ी मछलियों में 3 पंक्तियां होती हैं। सीक्रेट्स विषैले एलापिड समुद्री सांपों की एक प्रजाति हैं। वे अर्ध जलीय हैं। उन्हें शिकार को पचाने जमीन पर आना पड़ता है। जलीय आवासों में उनकी स्वतंत्र विकासवादी उत्पत्ति भी है। क्रेट्स अन्य ऑस्ट्रेलियाई एलापिड्स से पहले अलग हो गए थे। इस प्रकार समुद्री क्रेट्स और समुद्री सांप हाइड्रोफिनाई सांपों के भीतर जलीय आवासों में अभिसरण विकास का एक उदाहरण है। समुद्री क्रेट्स को अक्सर भूमि क्रेट्स के साथ भ्रमित किया जाता है, जो जलीय नहीं होते हैं। सीक्रेट्स समुद्र में भोजन करती हैं। ज्यादातर ईल, केकड़े और मछली खाती हैं। उन्हें कभी भी जमीन पर भोजन करते हुए नहीं देखा गया है। इनमें अत्यधिक विषैला जहर होता है, फिर भी ये सांप शर्मीले और एकांत प्रिय होते हैं। उत्तरी रेडबेली सांप ये कोलुब्रिडे परिवार का एक गैर विषैला सांप है। यह उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। यह भूरा या काले रंग के रूप में पाया जाता है। उनके सिर की ढाल के पीछे पीले या लाल धब्बे होते हैं। कुछ नमूने सिर के शीर्ष पर 3 काले बिंदुओं के साथ पाए गए हैं। भारतीय कोबरा जिसे आमतौर पर चश्माधारी कोबरा, एशियाई कोबरा या बिनोसेलेट कोबरा के रूप में भी जाना जाता है। कोबरा की एक प्रजाति है जो एलापिडे परिवार का एक जहरीला सांप है। यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप की मूल निवासी है और बड़ी 4 प्रजातियों में से एक है। भारतीय कोबरा को हिंदू पौराणिक कथाओं और हिंदू संस्कृति में पूजनीय माना जाता है।
और यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है। किंग कोबरा संसार का सबसे लंबा विषधर सर्प है। एशिया के सांपों में यह सर्वाधिक खतरनाक सांपों में से एक है। डायमंड पाइथन स्पिलोटा कालीन अजगर की एक उपप्रजाति है, जिसे डायमंड पाइथन के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आमतौर पर मुख्य रूप से गहरे जैतून से काले रंग का होता है। नीचे का भाग सफेद क्रीम या यहाँ तक कि पीले रंग का होता है। इसकी कुल लंबाई 6.6 फीट से 9.8 फीट तक होती है। डायमंड पाइथन आमतौर पर स्वभाव से आक्रामक नहीं होता है। यह अजगर घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है। यह छिपकलियों, पक्षियों और पोसम जितने बड़े स्तनधारियों का शिकार करता है। यह इंसानों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन गंभीर रूप से परेशान किए जाने पर काटने में सक्षम है। कोरल स्नेक एलापिड सांपों का एक बड़ा समूह है। उनका दंश शायद ही कभी घातक होता है। पिछले 100 वर्षों में केवल 2 मौतों की पुष्टि की गई है। इस बीच कोरल स्नेक ने कभी भी चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण काटने का कारण नहीं बनाया है। विशेषज्ञ अब मानते हैं कि लाल स्पर्श पीला और रेड टच ब्लैक, जिसका उपयोग लोग कभी कभी विषैले कोरल स्नेक और गैर जहरीले कोरल स्नेक के बीच अंतर करने के लिए करते हैं। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरल स्नेक के रंग और बैंडी पैटर्न को प्रदर्शित करने वाला कोई भी सांप लगभग निश्चित रूप से वास्तव में कोरल स्नेक होगा। दुनिया के अन्य हिस्सों में कोरल स्नेक हैं, जो अलग अलग रंग के होते हैं। लेगलेस लिजर्ड, जिसने स्वतंत्र रूप से अपने अंग खो दिए हैं या उन्हें इस हद तक कम कर दिया है कि वे चलने फिरने में किसी काम के नहीं रह गए हैं। यह पाइगोपोडिडे परिवार का सामान्य नाम है। इन लेगलेस लिजर्ड को अक्सर एक या अधिक के आधार पर सांपों से अलग किया जाता है। पलके होना, बाहरी कान खुले होना, कांटेदार जीभ के बजाय नोकदार जीभ होना
या बहुत लंबी पूंछ होती है, जबकि सांपों का शरीर लंबा और पूंछ छोटी होती है। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका के मूल निवासी पूरी तरह से बिना पैर वाले उपपरिवार में स्लो वॉर्म और शेटोपुसिक जैसी प्रसिद्ध प्रजातियां शामिल हैं। 66 प्रजातियों का एक अफ्रीकी परिवार, जिसमें एक लगभग बिना पैर वाला जीनस चामेसौरा है, जिसमें 5 प्रजातियां शामिल हैं, जिनके पिछले पैर छोटे पपड़ीदार उभार तक कम हो गए हैं। परिवार की सभी 23 प्रजातियां, जिनमें मोनोटाइपिक मैक्सिकन जीनस एनेलिट्रोपसिस और दक्षिण पूर्व एशियाई जीनस डिबामस शामिल हैं, सभी अंगहीन हैं, जो लगभग या पूरी तरह से अंधे हैं। ग्रीन ट्री पाइथन इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। यह एक चमकीला हरा सांप है। यह एक लोकप्रिय पालतू पाइथन है। इसका पेड़ों की शाखाओं में आराम करने का एक विशेष तरीका है। यह काठी की स्थिति में शाखाओं के ऊपर एक या दो कुंडलियां फंसाता है और अपना सिर बीच में रखता है। लेडर स्नेक कोलुब्रिडे परिवार में गैर विषैले सांप की एक प्रजाति है। लेडर स्नेक को बागों, अंगूर के बागों, बाड़ों और कम छाया वाले आवासों में पाया जाता है। यह एक ऐसी प्रजाति है जो समुद्र तल से 700 मीटर तक की ऊंचाई पसंद करती है। क्वीन स्नेक गैर विषैले अर्ध जलीय सांप की एक प्रजाति है, जो कोलुब्रिडे परिवार के उपपरिवार नेट्रिकिना की सदस्य है। क्वीन स्नेक पूरे सर्दियों के महीनों में सुस्त हो जाते हैं और उनका मुख्य शिकार क्रेफिश होती है। टाइगर रैट स्नेक दक्षिणी मेक्सिको से लेकर मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश हिस्सों से लेकर उत्तरी अर्जेंटीना तक पाया जा सकता है और वर्षावन के किनारों, खुले जंगलों और झाड़ियों वाले घास के मैदानों में निवास करते हैं। टाइगर रैट स्नेक एक कुशल और तेज गति से चलने वाला शिकारी है, जो लंबाई में 9.8 फुट तक पहुंच सकता है। लगभग सभी कोल ब्रिड्स की तरह रैट स्नेक से इंसानों को कोई खतरा नहीं होता। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ प्रजातियों में थोड़ी मात्रा में जहर होता है, हालांकि यह मात्रा मनुष्यों के लिए घातक नहीं है। ब्राउन ट्री स्नेक जिसे ब्राउन कैट स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्वी और उत्तरी तटीय ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और उत्तर पश्चिमी मेलानेशिया के कई द्वीपों का मूल निवासी है। यह सांप एक आक्रामक प्रजाति होने के लिए कुख्यात है, जो गुआम में अधिकांश देशी पक्षियों की आबादी को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। ब्राउन ट्री स्नेक अपने मूल क्षेत्र में पक्षियों, छिपकलियों, चमगादड़ों और चूहों जैसे अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। इनकी उपस्थिति से आम गौरैया जैसे क्षेत्रीय देशी पक्षियों और छिपकलियों की प्रजातियों को खतरा है। ईस्टर्न रैट स्नेक कोलुब्रिडे परिवार में गैर विषैले सांप की एक प्रजाति है। यह प्रजाति उत्तरी अमेरिका के लिए स्थानिक है। इसकी कुल लंबाई आमतौर पर 2 फीट से 6 फीट होती है।
ईस्टर्न रैट स्नेक खेत घने जंगल और जंगलों से सटे खेत पृथक शहरी जंगल में पाया जाता है। आहार में चूहे, छिपकली, मेंढक और पक्षी और उनके अंडे शामिल हैं। गार्टर स्नेक। लंबे समय तक गार्टर स्नेक को गैर विषैला माना जाता था, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में हुई खोजों से पता चला कि वे वास्तव में न्यूरोटॉक्सिक जहर पैदा करते हैं। इसके बावजूद गार्टर स्नेक हल्के जहर की थोड़ी मात्रा के साथ मनुष्यों को गंभीर रूप से घायल या मार नहीं सकते हैं। कुछ मामलों में सूजन और चोट लगने की सूचना मिली है। ईस्टर्न कॉपरहेड, जिसे कॉपरहेड के नाम से भी जाना जाता है, ये विषैले सांप की एक प्रजाति है। कॉपरहेड में विशिष्ट गहरे भूरे चश्मे के आकार के निशान हैं। कॉपरहेड की सामान्य लंबाई 50 से 95 सेंटीमीटर होती है। अधिकांश उत्तरी अमेरिका में यह पर्णपाती वन और मिश्रित वुडलैंड्स को पसंद करता है। यह चट्टानों और दलदली क्षेत्रों में भी पाया जाता है। सर्दियों के दौरान यह मांद या चूना पत्थर की दरारों में शीत निद्रा में रहता है। अधिकांश पिट वाइपर की तरह कॉपरहेड आम तौर पर घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी होता है और उपयुक्त शिकार के आने की प्रतीक्षा करता है। कार्पेट पाइथन मोरेलिया स्पिलोटा की एक उपप्रजाति है, जिसे आमतौर पर कार्पेट पाइथन के रूप में जाना जाता है और इसे पूर्वी तटीय या मैकडॉवेल के कार्पेट पाइथन का नाम दिया गया। यह उपप्रजाति 9 से 10 फीट की लंबाई प्राप्त करती है। वे आमतौर पर हल्के धब्बों और धारियों के साथ जैतून भूरे से भूरे रंग के होते हैं। वे दिन या रात में सक्रिय रहते हैं, मुख्य रूप से गर्म खून वाले शिकार जैसे पोसम, चूहे, लोमड़ियों और पक्षियों और कभी कभी मुर्गे, घरेलू बिल्लियों और छोटे कुत्तों को खाते हैं। वे कभी कभी आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। काटने से जहर नहीं फैलता, लेकिन घाव हो सकता है। टेटनस से सुरक्षा की सिफारिश की जाती है। वे पेड़ों की शाखाओं में लिपटे हुए या झाड़ियों में लिपटे हुए, वे अक्सर उपनगरीय क्षेत्रों, वर्षावनों, गीले या सूखे नीलगिरी के जंगल, कृषि और शहरी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ईस्टर्न डायमंड बैक रैटल स्नेक, ये सबसे बड़ी रैटल स्नेक प्रजाति है और जहरीले सांपों की सबसे भारी ज्ञात प्रजातियों में से एक है, जिसका एक नमूना 1946 में शूट किया गया था, जिसकी लंबाई 2.4 मीटर यानी 7.8 फीट और वजन 15.4 किलोग्राम था। ईस्टर्न डायमंड बैक रैटल स्नेक एक जहरीली प्रजाति है। सहारन हॉर्न्ड वाइपर, आमतौर पर सहारन हॉर्न्ड वाइपर या डेजर्ट हॉर्न्ड वाइपर के रूप में जाना जाता है, उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान और अरब प्रायद्वीप और लेवंत के कुछ हिस्सों के मूल निवासी वाइपर की एक जहरीली प्रजाति है। इसे अक्सर सींग की एक जोड़ी की उपस्थिति से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसकी औसत कुल लंबाई 30 से 60 सेंटीमीटर है। अधिकतम कुल लंबाई 85 सेंटीमीटर होती है। बॉल पाइथन,
जिसे शाही अजगर भी कहा जाता है। पश्चिम और मध्य अफ्रीका की मूल निवासी अजगर प्रजाति है, जहां यह घास के मैदानों, झाड़ियों और खुले जंगलों में रहता है। यह गैर विषैला अवरोधक अफ्रीकी अजगरों में सबसे छोटा है, जिसकी अधिकतम लंबाई 182 सेंटीमीटर तक होती है। बॉल पाइथन काला या अल्बिनो और गहरे भूरे रंग का होता है, जिसकी पीठ किनारों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे होते हैं। इसका सफेद या क्रीम पेट काले निशानों से बिखरा हुआ है। यह छोटे सिर और चिकने शल्कों वाला एक गठीला सांप है और अधिकतम वजन 1.5 किलोग्राम होता है। पायथन पूर्वी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय के मूल निवासी पायथोनिडे परिवार में सिकुड़ने वाले सांपों की एक प्रजाति है। पायथन नाम 1803 में फ्रांस्वा मैरी डॉडिन द्वारा गैर विषैले सांपों के लिए प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में 10 अजगर प्रजातियों को वैध टैक्सा के रूप में मान्यता प्राप्त है। पालतू जानवर के रूप कई पायथन प्रजातियां जैसे कि पी रेगियस, पी ब्रोंगर्स माई, पी बिविटेटस और एन रेटिकुलेटस देखभाल में विनम्र स्वभाव और रंगों के कारण पालतू जानवरों के रूप में रखने के लिए लोकप्रिय हैं। जिनमें से कुछ दुर्लभ कई हजार डॉलर पालतू जानवरों के व्यापार में अजगर मीडिया रिपोर्टों से उपजे विवाद के बावजूद उचित सुरक्षा प्रक्रियाओं के साथ पालतू अजगर को रखना अपेक्षाकृत सुरक्षित है। अजगर की खाल का उपयोग कपड़े, वेस्ट, बेल्ट, जूते और हैंडबैग जैसे फैशन के सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसे कुछ स्ट्रिंग संगीत वाद्य यंत्रों के ध्वनि बोर्ड के रूप में भी बनाया जा सकता है। वर्तमान फैशन उद्योग में सांप की खाल की उच्च मांग के साथ अफ्रीका और दक्षिणी एशिया के देश अजगर की खाल की कानूनी और अवैध बिक्री में भाग लेते हैं। बर्मीज अजगर ने पालतू व्यापार में लोकप्रियता हासिल की। जनवरी 2012 में अमेरिकी आंतरिक विभाग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में बर्मी अजगर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2012 की एक रिपोर्ट में कहा गया है, जहां सांप पाए जाते हैं, लोमड़ी और खरगोश गायब हो गए हैं।